वित्त मंत्री ने बुजुर्गों, महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ ही मेडिकल के क्षेत्र पर भी खासा जोर दिया है। बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018 तक चेचक और टीबी को पूरी तरह खत्म किए जाने का लक्ष्य तय किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए गुजरात और झारखंड में दो नए एम्स खोले जाने की भी घोषणा की गई। पिछले सरकार ने 2017 तक कालाजार और फिलारियोसिस, 2018 तक कोढ़ और 2020 तक खसरा समाप्त करने की कार्ययोजना तैयार की है। झारखंड और गुजरात में दो नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सीनियर सिटीजन के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाने की योजना का ऐलान किया गया है। इस कार्ड में बुजुर्गों के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी दर्ज की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें उनका स्वास्थ्य संबंधी ब्यौरा दर्ज होगा। वर्ष 2017-18 के दौरान 15 जिलों में प्रायोगिक योजना के जरिए इसकी शुरुआत की जाएगी। बुजुर्गों ने सरकार की पहल का स्वागत किया है। जिस तरह से उम्मीदें थी, क्या उम्मीदों पर खरा उतरा? 101%, बहुत ही अच्छा बजट है। डर था शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का कोई चेंजिंग करेंगे, वो नहीं हुआ। फिजिकल डिसिप्लिन भी मेंटेन है। गर्भवती महिलाओं के खाते में 6,000 रुपए डाले जाएंगे। 28,000 गांवों में साफ पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा।